Namaskar friends, once again welcome to Never Give Up Academy. Today in this lecture we are talking about the Parliament latest amendment bill tha jo Jalianwala Bagh National Memorial Amendment Bill hai uske bare mein charcha karenge aur dekhenge ki isme kon kon se amendment yani ki sudhare laye gaye hai aur usse kya impact padega. एंड फ्रेंड्स आप सभी लोग मुझे काव्यश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो. अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल. आप सभी को पता ही होगा कि हमारी आज़ादी और संपूर्ण विश्व का जो काफ़ी क्रूर और खतरनाक इश्यू हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, इसमें एक ऑफिशियली आंकड़े के मुताबिक 389 लोग का डेथ हुआ था और अनऑफिशियली आंकड़े के मुताबिक हजारों लोगों की जान गई हुई थी. तो ये जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाने वाला है जो है जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट है, तो देखते हैं क्या है. जब हमारा कंट्री आज़ाद हो गया तब 1951 में एक ट्रस्ट का गठन हुआ जिस ट्रस्ट में डिसाइड हुआ कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इन सभी इसमें जो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ऐसा एक नेशनल मेमोरियल बनाते हैं कि जो जिसका गठन के बाद वहाँ को सच्ची ट्रिब्यूट मिलेंगे. तो गवर्नमेंट ने एक मेमोरियल बनाया, काफ़ी बड़ा मेमोरियल है, जलियांवाला बाग अमृतसर में मौजूद है, बड़ा गार्डन है और हाल ही में इसको गवर्नमेंट उसको रूल आउट उसको देखरेख में गवर्नमेंट की देखरेख में चल रहा है. तो जो 1951 में जो एक्ट बना था उसके थ्रू ये नेशनल मेमोरियल बना था. इस एक्ट में 2019 ने गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाना चाहती है. ये चेंजेस क्या है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो हम 1951 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन थे. इसमें ऐसा प्रोविजन हुआ था कि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट का गठन करेंगी और सारे वो जो ये मेमोरियल है स्मारक है उसकी देखरेख करेंगी. इसमें उसके प्रेसिडेंट हो गए प्राइम मिनिस्टर बाद में. इसमें एक ऐसा एक पहलू भी मौजूद है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस है उसका प्रेसिडेंट भी इसमें फुल टाइम ट्रस्टी मेंबरशिप में रहेगा. बाद में अपोजिशन पार्टी का लीडर रहेगा एंड करंट जो कल्चर मिनिस्टर ही होते हैं उसका जो मिनिस्टर होगा वो भी होगा. पंजाब गवर्नमेंट का CM, उसका गवर्नर यानी राज्यपाल और साथ में 3 ऐसी पर्सनालिटी जिसको इस सभी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो और उसको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देगी, ऐसा 1951 एक्ट में प्रोविजन था. अब इसमें दिक्कत ये हुई है जो 2019 में NDA गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट लाई है इसमें जो कांग्रेस ने एक डिटेक्टरशिप जो अपनाई थी, तानाशाही डाली थी जो 1951 का जो एक्ट था इसमें फुल टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी मेंबरशिप में रहेगा. वो ये वर्तमान गवर्नमेंट हटानी चाहती है. दूसरी बात ये बोली है कि जो अपोजिशन पार्टी ऑफ लीडर है उसकी जगह पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका लीडर इसमें ट्रस्टी मेंबर में रहेगा. और बाद में जो लास्ट में जो 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसमें भी उसने कुछ चेंज लाया कि गवर्नमेंट जब भी चाहे तब इस जो 3 लोग होते हैं उसको हटा भी सकती है, उसको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकती है, किसी भी कारण के रीजन दिए बिना उसको अपने पद से हटा भी सकती है. इन तीनों में चेंजेस हुए हैं. तो इस अमेंडमेंट बिल में मेन चेंजेस ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उसको इसके ट्रस्टी मंडल से हटाना और इसी कारण ये सारी बवाल हो चुकी है. पॉलिटिक मामला क्राइसिस हो चुका है जिसमें कांग्रेस बोलती है कि भाजपा हमारे जो लीडर है हमारी जो कांग्रेस शिप के जो लीडर है उसको नीचे दिखाने के लिए जो पीटी पॉलिटिक्स करते हैं, जिसको एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं उसका वो है. तो पर जो प्रहलाद सिंह पटेल है जिसने ये बिल लोकसभा सदन पटल में रखा था मिनिस्टर ऑफ कल्चर, उसने कहा कि ये देश की
सुरक्षा का तो नहीं बोल सकते, देश की जो हमारी आजादी है, आजादी मिली है, उसके प्रतीक चिन्ह मेमोरियल है। इसमें किसी भी पार्टी का ऐसा प्रतिनिधित्व कायमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक देश का मामला है, कोई पार्टी या पक्ष का मामला नहीं है। और साथ में उसने ऐसा भी बोला, इस पद पर संवैधानिक लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, राज्यपाल है, वो बराबर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को परमानेंट इसमें मेंबरशिप नहीं मिल सकती, इसीलिए हम इसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं और ये होना चाहिए। और फाइनली राज्यसभा में से भी ये बिल पास आउट हो गया, अब ये एक्ट बन गया है। अब वो कांग्रेस की जो इसमें ट्रस्टीशिप थी वो चली गई। हाँ, वो रहेगा कि जो उसके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी कांग्रेस ही है, तो उसका जो लीडर होगा जो अधीर रंजन जी चौधरी है, वो इसमें ट्रस्टीशिप में कंटिन्यू रहेंगे। बाकी जो सोनिया गांधी जी थी वो अभी इसमें से निकल गई है। और मेरे मुताबिक तो ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी पक्ष की डिक्टेटरशिप तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। ये नेशनल मेमोरियल है, ये किसी का प्राइवेट या किसी की व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, संपूर्ण देश की बात है। तो इसमें जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद के व्यक्ति है वो ही होना चाहिए, कांग्रेस ही क्यों होनी चाहिए। इस तरह ये सही स्टेप है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मंतव्य क्या है, जो अमेंडमेंट बिल एक्ट में परिवर्तित हो गया है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आज के वीडियो में बस फ्रेंड इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी कर दीजिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।